अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्स वीड्स और आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो कैमन 18 और 18T के बारे में। क्या मोबाइल्स कैमरा वाइज बेस्ट हैं? क्या ये मोबाइल्स गेमिंग के लिए बेहतरीन हैं? इन सब क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, दोनों मोबाइल कैमन 18 और 18T बेसिक फ़र्क यही है कि इन दोनों का कैमरा 48 मेगापिक्सल का फ़र्क है। टेक्नो कैमन 18 में 48 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, बाकी दोनों सेम हैं। सबसे पहले हम इस मोबाइल के कैमरा फीचर्स की बात करते हैं। इसका फ्रंट सेल्फी शटर कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और इसका बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और बाकी इसमें एक डेप्थ सेंसर और एक मैक्रो कैमरा है। ओवरऑल इसके कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो बेहतरीन कैमरा क्वालिटी आपको फ्राहम करता है, क्योंकि कैमन सीरीज़ कैमरा के लिए ही जानी जाती है। अगर आपने एक कैमरा मोबाइल लेना है तो ये बेहतरीन चॉइस है आपके लिए। इस मोबाइल के ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के लिए हमको इसके चिपसेट और सीपीयू के बारे में देखना होगा। इस मोबाइल में मीडियाटेक G88 चिपसेट लगा है, जो कि गेमिंग के लिए बेहतरीन चिपसेट है और इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट क्वालिटी की है। तो अगर आपको गेमिंग के लिए मोबाइल लेना है तो ये बेहतरीन ऑप्शन होगा, हो सकता है आपके लिए। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें IPS का पैनल है। IPS डिस्प्ले बेहतरीन डिस्प्ले है। डिस्प्ले वाइज नॉर्मल ही है, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले का मुकाबला IPS पैनल नहीं कर सकता। डिस्प्ले वाइज आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1080p के पिक्सल्स देखने को मिलेंगे विद 90Hz रिफ्रेश रेट। ये आपको वेरिएंट 4GB 128 में मिलेगा और इसकी प्राइस 30,000 होगी। इसमें आपको 5000 mAh की फास्ट चार्जिंग विद 18W चार्जिंग बैटरी मिलेगी आपको, तो प्राइस के लिहाज से ये ठीक ठाक रेंज में आया है। ये एक बजट मोबाइल है। तो आपको आज का रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतला कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।